टॉटोमर्सम की बात की थी। अपन ऐसा कहा था बेटा बात करें, टॉटोमर्स ये सभी कंपाउंड होते हैं, टॉटोमर ये इसका टॉटोमर है और ये बेटा बात करें इसका टॉटोमर है। ये वाली कंडीशन इंटरमीडिएट कंडीशन थी जो बेटा बात करें यहाँ पर रेजोनेंस की प्रेजेंस को बता रही थी। और इस कंपाउंड से बेटा बात करें ये कैसे बनेगा आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट कैसे बनाना है ये सिर्फ बताया था। ऐसे प्रोसेस आपने बोला था बेटा बात करें ऑल दोस कंपाउंड विच हैविंग बेटा बात करें क्या सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सिमिलर है बट बेटा बात करें डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू बेटा बात करें क्या इंटरचेंज एक्सचेंज बेटा बात करें ट्रांसलोकेशन शिफ्टिंग ऑफ बेटा बात करें क्या एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन और बेटा बात करें क्या अल्फा हाइड्रोजन। कीटो फॉर्म हमने ये लिया था, कीटो फॉर्म में ये देखा था बेटा बात करें कि ये मैंने अपने एसीटोन पकड़ा था रिएक्टेंट को CH3 सी डबल बॉन्ड CH फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है चाहे आप इस हाइड्रोजन को हटाओ चाहे हाइड्रोजन को हटाओ। यहाँ बुरी बात करें एक जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसको मैंने बेटा H+ के फॉर्म में रिलीज किया था। देखो आप इतना हमेशा याद रखना टॉटोमर्सम में बुरी बात करें जो भी कंपाउंड हो जो भी बुरी बात करें हमारे पास कीटो फॉर्म है और मोस्टली कीटो फॉर्म पर ही क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। तो जो भी बेटा बात करें कीटो फॉर्म उसमें बेटा बात करें फंक्शनल ग्रुप मतलब कीटो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन क्योंकि वही बेटा बात करें जिसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मैंने कल आपको बीटा वाले भी दिखाए थे देखो ये अल्फा ये बीटा देखिए बेटा अल्फा के पास देखो दिख रहा आपको कार्बन है पर कार्बन के साथ मैंने तीन मेथिल ग्रुप को बेटा बात करें जोड़ दिया था मतलब तीन हाइड्रोजन को अपने बेटा बात करें क्या किया था तीन मेथिल ग्रुप से बेटा बात करें डिस्प्लेस किया था है ना। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बीटा हाइड्रोजन, अगर बीटा हाइड्रोजन को अपन निकालेंगे ना H+ के अपन बीटा बात करें तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव आएगा लेकिन नेगेटिव सिंगल सिंगल दो बार सिंगल आ गया अल्टरनेट में डबल है ही नहीं, यहाँ डबल सिंगल मुझे इस पे नेगेटिव चाहिए डबल सिंगल इस पे पॉजिटिव चाहिए डबल सिंगल सिंगल आ गया यहाँ पे तो डबल सिंगल सिंगल आने की वजह से बीटा बात का रेजोनेंस खत्म हो जाता है। बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन है पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है मतलब अगर ये कार्बन बुरी बात करें हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल दें और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख ले तो ये चीज बेटा बात करें कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज नहीं होगा मतलब बेटा बात करें इसके ऊपर ही लगातार बना रहेगा और कोई भी एलिमेंट कभी भी बेटा बात करें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रखने से स्टेबल नहीं होते हैं। बात समझ पा रहे इससे मुझे मतलब है केवल किससे अल्फा आप तो ये देखो बगल वाला कार्बन होना चाहिए अल्फा बुरी बात करें कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला और ये H हाइड्रोजन निकला तो इस कार्बन के ऊपर क्या आया था नेगेटिव आया था तो अपने ये कंपाउंड बनाया था बेटा बात कर क्या बनाया था CH2 नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ CH3 याद होगा आपको। फिर आपने कहा था बेटा नेगेटिव सिंगल डबल में क्या है यहाँ पे रेजोनेंस है नेगेटिव चार्ज बेटा बात कर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल समझ पा रहे हो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कम ऋणात्मक तत्व पर बुरे बात कर कम स्थायी होता है तो ये जो बेटा बात कर नेगेटिव चार्ज ये घूमेगा कहाँ एटम टू बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है दो इलेक्ट्रॉन मतलब लॉन पेयरिंग तो है याद है क्योंकि इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे एक कार्बन का खुद का एक हाइड्रोजन का तो दो इलेक्ट्रॉन तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेंगे तो बेटा बात करेगा यहाँ कूदे और आपने इस बॉन्ड को नहीं हटाया तो इस कार्बन तो पांच बॉन्ड हो जाएंगे एक और एक दो और एक तीन चार पांच आपको पता है कार्बन बेटा बात का सेकंड पीरियड का है कभी मोर देन बेटा बात के इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता तो जैसे बेटा बात करिए ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर पे आता है बॉन्ड पे आता है तो बेटा बात का जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है तो ये वाली स्टेट में देखने को मिली थी याद होगा यहाँ क्या गया था बेटा बात का CH2 डबल बॉन्ड देखो ये वो नेगेटिव जो यहाँ आ गया था। अच्छा कार्बन क्यों दीदी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन मिला तो इसको नेगेटिव आना चाहिए पर इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भी दे दिया तो अल्टीमेटली इसको तो ना लॉस हुआ ना फायदा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला तो अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया तो अल्टीमेटली न्यूट्रल ही रहेगा लेकिन ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इसका नेगेटिव खत्म तो अल्टीमेटली नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्या है ये कंपाउंड ज्यादा बेटा मोर स्टेबल है ये ज्यादा मोर स्टेबल ये ज्यादा मोर स्टेबल क्यों नेगेटिव चार्ज बेटा बात करें इस ऑन बेटा बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो मोर स्टेबल। अगर नेगेटिव चार्ज कभी मुझे बुरे बात कर दो कंपाउंड दिए जाए और मैं से पूछे कौन ज्यादा स्थायी है तो नेगेटिव चार्ज जिसमें बेटा बात कर नेगेटिव एलिमेंट पे लगा होता है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर वो ज्यादा स्टेबल होता है अगर पॉजिटिव होता तो अपन ये बोलते कि पॉजिटिव कार्बन पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। दो बातें अपन हमेशा बोलते आए नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन बुरे बात कर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन बेटा बात कर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा बोल सकते हैं आप। अच्छा इसको भी दो तरीके से बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन गुड़िया बात करें क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम ठीक है ये गुड़िया बात करें कंडीशन है। अच्छा दूसरी कंडीशन है आपने देखा था बेटा बात करें हाइड्रोजन निकला था वो हाइड्रोजन भी गया थोड़ी था कहीं अगर इस कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो हाइड्रोजन बेचारा बेटा बात करें H+ के फॉर्म में प्रोटोन के फॉर्म में यही घूम रहा था। अब H+ का अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो गुड़िया बात ये प्रोटॉन किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की गुड़िया बात करें पता है ज्यादा कंसंट्रेशन है तो वो उसके पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। H+ किसके पास जाए
बुरे बात कर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, उनके पास है ही नहीं लोन पर, तो लोन पर केवल किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन के पास आ जाता है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव भी आ गया। तो ऑक्सीजन बुरे बात कर बताए अपना इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को दे करके क्या करता है, बॉन्ड बना देता है, अल्टीमेटली आपका कंपाउंड क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो बेटा बात करें कीटो फॉर्म से हम गुड़े चले थे और कहाँ पहुंच गए गुड़े बात करें इनॉल फॉर्म में, इसको बोलते हैं बेटा बात करें क्या, टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म में कीटो फॉर्म का इनॉल में चेंज होना है, ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं आप। अगर बेटा बात करें ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, लंबे समय तक ऑक्सीजन भी नेगेटिव नहीं रख पाएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एच प्लस निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एच प्लस निकल जाएगा, ठीक है। एच प्लस अगर निकल गया सोचो बेटा उल्टी कंडीशन की कोशिश करो, अगर मैं ये कहूँ कि बेटा बात करें अगर ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन वापस ले ले हाइड्रोजन से तो फिर से बेटा बात एच प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर आपका जो ये बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर बेटा बात करिए एटम से कहाँ जाएगा, बॉन्ड पे जाएगा, तो फिर ये वाला वापस इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर कार्बन के पांच बॉन्ड होने लगेंगे, तो ये कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा। इस पूरे बात का बताए कार्बन के ऊपर नेगेटिव आए क्योंकि पूरा लोन पूरा बॉन्ड ले रहा है, तो ये एच प्लस बेटा बात के इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास, क्योंकि इसके पास उसको इलेक्ट्रॉन रिचनेस दिख रही है, जहां नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब बेटा बात करें मोस्टली वहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे एच प्लस आ जाएगा। एच प्लस जैसे यहाँ पर आएगा ये कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, अगेन बेटा बात करें आपकी यही कंडीशन बन जाएगी, फिर से कीटो फॉर्म बन जाएगा। तो आप देखो इसमें बहुत सिंपल है, कीटो इनॉल आइसोमर्स आपको टफ लग रही होगी, टफ है ही नहीं, एकदम सरल थी। कैसे बुढ़िया बात करें, पहले फॉर्म में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, कीटो फॉर्म है इनॉल बनाना है, हाइड्रोजन को बुढ़िया बात करें किसको दे दो, हाइड्रोजन को इसको दे दो, और बेटा बात क्या बता ये जो बॉन्ड है वो तुम यहां लगा दो, बस सिंपल सा है। कल बुढ़िया बात करें अपन बात की थी अपने लास्ट में याद आ रहा, कुछ छोटी सी बात थी, ऐसा बताया था कि अगर ये कंपाउंड है, चलो यही दिखा देते हैं, जैसे ये कंपाउंड है आपके पास कीटो फॉर्म सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, आप इसके भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, जैसे अपन बेटा बात कर इसके निकाल रहे सी एच टू और बुढ़े बात करें एक एच सी एच टू और बेटा बात करिए एक एच को मैंने फ्री रखा। अब ये कीटो फॉर्म दिख रहा है आपको, इनोल बनाना है, हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करो और बेटा बात कर पता है इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करो, ठीक है, और बेटा बात के इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो, बस हमारे पास नया फॉर्म बन गया इनॉल, कैसे सी एच टू डबल बॉन्ड, बेटा बात करें बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है, और बेटा बात करें क्या आ जाएगा हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, बेटा बात करें सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, क्या बन गया बेटा बात करें इनॉल, क्या बन गया इनॉल, इनॉल फॉर्म। आपको फिर से कीटो फॉर्म चाहिए कोई दिक्कत नहीं, इस बेटा बात करें बाउंड को इधर शिफ्ट करो, इस हाइड्रोजन को कार्बन में शिफ्ट कर दो, ये वापस मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं अपन, सिर्फ दो एटम के बीच में बुढ़े बात कर रहे हैं एक्टिव हाइड्रोजन प्रोटॉन को एसिडिक हाइड्रोजन को बेटा बात कर रहे हैं पता है एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑक्सीजन के पास अगर बेटा बात कर हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि बैलेंस ही कम हो जाएगी। आप खुद देखो अगर आप इसको शिफ्ट नहीं करना चाहो तो भी आपको खुद फील हो जाएगा, अगर इसका हाइड्रोजन हट गया बुढ़ा तो इसकी एक बैलेंस ही कम होगी ना, तो सीधी सी बात है। और दूसरी बात अगर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो बेटा बात यहाँ का एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन आएगा तो बॉन्ड तो बनेगा, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो बैलेंस ही तो बुढ़े अपना आराम से याद रख सकते हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, एक बार बुढ़े समझना ज्यादा जरूरी है, दूसरी बार अपने अकॉर्डिंग बेटा बात को उसका शॉर्ट ट्रिक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तुम हर वक्त मैकेनिज्म नहीं करते रहोगे, मुझे दिखना चाहिए कि मुझे कंपाउंड देखो मैंने सूट किया, ठीक है, क्या था ये सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड बुढ़े बात करें ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री और इसका एक हाइड्रोजन था, ये फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है तो उसके हाइड्रोजन कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन होना जरूरी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए मुझे, लेकिन अच्छी बात यह कि अल्फा हाइड्रोजन तो मिलेगा ही तब जब आपके पास अल्फा कार्बन होगा। तो कई बार बुढ़े बात करें कंपाउंड आपको पढ़ाए थे, जैसे बुढ़े बात करें यहाँ पे एक दो क्वेश्चन दिखाए थे ना बेटा बात करें कि अल्फा हमारे पास क्या था, यहाँ से मिट क्या होगा, ये तो था हमारे पास कि बेटा बात करें क्या था, देखो अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन था इस कंपाउंड में, ये याद आ रहा कुछ बुढ़े बात करें सी डबल बॉन्ड बेटा बात करें, ठीक है, ये वाला केस। अब बताओ इसमें क्या इसके पास हमारे पास अल्फा कार्बन है, बिल्कुल अल्फा कार्बन, अल्फा फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन ही अल्फा कार्बन, इस तरफ भी अल्फा कार्बन और ये बेंजीन का अल्फा कार्बन, ठीक है, क्या अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन तो देखना पड़ेगा, ये सी एच थ्री आपको पता है बेटा बात कर आपने यहाँ पे क्या किया सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाया, हाइड्रोजन हटा दिया मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, हाइड्रोजन
हटा दिया और मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया, CH3 और ये CH3, एक दो तीन CH3 CH3 CH3, बात समझ पा रहे? पूरे बात करें, अल्फा कार्बन के पास कार्बन है इस कंपाउंड के पास, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन भी है पर बीटा हाइड्रोजन तीन है, बीटा कार्बन से जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन, मतलब नौ बीटा हाइड्रोजन है। अगले बात करें, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ बोलो देखो इस कार्बन बीटा बात की, अल्फा कार्बन बिल्कुल है लेकिन इसके पास बुढ़े बात कर हाइड्रोजन है क्या? भी नहीं है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन चार, कार्बन की चार बैलेंसी बेटा पूरी की पूरी हो गई है। तो यहाँ पर आपको कार्बन की चारों बैलेंसी पूरी हो गई है, इसे बेटा बात कर यहाँ पे आपको कोई कार्बन हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, कार्बन है पर हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कंपाउंड बेटा बात कर टॉटोमरिज्म शो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा क्योंकि एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, जबकि आपने क्या कहा था बेटा डेफिनेशन में, कम से कम बुढ़े बात करें एटलीस्ट मुझे बुढ़े बात कर वन हाइड्रोजन तो चाहिए, बुढ़े बात करें एक अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए, एटलीस्ट वन बेटा बात कर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एक कम से कम बुढ़े बात कर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बुढ़े बात कर होगा तो वो टॉटोमिज्म शो करेगा, है ना, और वो यहाँ पर है नहीं। तो ऐसे कंपाउंड भी आपको वो देखा, जैसे कल आपको बेटा बात कितने क्वेश्चन दे रहे थे, इनमें से पूछेगा तो बीच में फॉलोइंग कंपाउंड बुढ़े बात करें सो टॉटोमिज्म, तो जहां जहां हमें अल्फा हाइड्रोजन दिखता कि अपन बोलते हैं टॉटोमिज्म शो करेगा करेगा, ऐसे कंपाउंड अगर आ जाएंगे तो अपन बोलेंगे नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एकदम सिंपल सी बात बताना चाह रहे थे, कीटो इनोल फॉर्म, कीटो का बेटा बात करें पता है टॉटोमर क्या है, इनोल, और इनोल का टॉटोमर क्या है कीटो, क्योंकि कीटो से बेटा बात करें एक हाइड्रोजन को हटाओ अल्फा हाइड्रोजन को अल्फा कार्बन से और ऑक्सीजन को दो, और बेटा बात कर जैसे यहां पर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा सोचो, फिर से वही बात करते, अगर ये हाइड्रोजन बेटा बात किसके साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो ये बॉन्ड आपको यहां से क्या करना है, ये तो बॉन्ड टूट ही गया ना, क्योंकि यहां से अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो बॉन्ड तो टूट ही गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, यहां डबल बॉन्ड हो नहीं सकते, आप इसके साथ बॉन्ड बना दो और आप सोचो कि बेटा बात कार्बन ये वाला बॉन्ड बना के रखें, तो कार्बन तो चार है लेकिन ऑक्सीजन के तीनों को पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेटा बात करें और देखो इसके तीन बचे बॉन्ड, इसलिए एक पाई बॉन्ड को उठाकर क्या करो यहां जोड़ दो, फिर से वही बात करते, यहां जब तक बुढ़े बात करें हमारे पास क्या था हाइड्रोजन था, सभी बैलेंस थे, अब इस हाइड्रोजन को अल्फा कार्बन उठा के ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, और बेटा बात करें इस सिग्मा पाई में से एक पाई बॉन्ड को उठा के यहां शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहां से गया और यहां हो गया ताकि बैलेंस ही पूरी हो जाए, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड और कार्बन के चार बॉन्ड। अगली बार आपको बुढ़े बात कर क्या करना, फिर से बॉन्ड बनाना है, बना लो बॉन्ड बुढ़े बात कर, कैसे करना है बेटा बात कर, इस बॉन्ड को दीदी बात करें यहां ले आओ, इस बॉन्ड को वापस इसका इसका कर दो, इस ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और यहां से बुढ़े बात कर हाइड्रोजन निकल करके ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां बॉन्ड बन जाएगा, सीधी सी बात है। मैं आपसे ये तो कहना नहीं चाह रहा हूं, अदरवाइज मेरा कहने का इतना मन कर रहा है ना कि जैसे यहां बॉन्ड था बेटा बात कर देखो ये वाला बॉन्ड है ना, तो कंडीशन यहां डबल बॉन्ड था, तो ऐसा करो बेटा बात कर कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो और इस वाले बॉन्ड के साथ बुढ़े बात कर हाइड्रोजन को जोड़ दो, या फिर ऐसा कहने का मन था कैसा था बेटा बात कि इस वाले बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो और इस पूरे बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाए, आप कुछ भी याद करो और बेटा बात कर ये वाला हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन कहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, ये बॉन्ड यहां चला गया, ये बन गया। अगली बार क्या करो, इस वाले बॉन्ड को इधर ले आओ बेटा बात, ये बन गया क्या, भी देखो जल्दी बताओ ये क्या है इनॉल, इस वाले बॉन्ड को इधर लाओ और बेटा बात इस ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और बॉन्ड को लेकर यहां शिफ्ट कर दो, तो ये वाला बॉन्ड और हाइड्रोजन यहां चला गया और ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया, बस बन गया तुम्हारे पास प्रोडक्ट। मैकेनिज्म आपको थोड़ी बड़ी लगी होगी, मैकेनिज्म कुछ है भी नहीं लेकिन बुढ़े बात को बदलना कितना आसान है, आसान है कि नहीं, कुछ भी नहीं करना था, इसके हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ना और इसका बॉन्ड यहाँ करना है, तो जो डबल था वो सिंगल होगा, जो सिंगल है वो डबल होना क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना है, वापस कर सकते हो इसके हाइड्रोजन उठा के इसका हाइड्रोजन इसको ही दे दो वापस और इसका बॉन्ड जो बिठा है वो इसको वापस ले आओ, ठीक है, इतना सा बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सरल लगा होगा, एकदम सरल होता है। नेक्स्ट टाइप की बेटा बात कर अपन देखते हैं टॉटोमर्सम।